खबर हरदा से, जहां बीजेपी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष और पार्षद अनीता अग्रवाल के बेटे सुमित अग्रवाल ने एक युवक की कनपट्टी पर पिस्टल रखकर फायरिंग कर दी। इतना ही नहीं, जब युवक को गोली नहीं लगी तो आरोपी ने दूसरा फायर कर दिया। इसमें आरोपी ने खुद के पैर में ही गोली मार ली। इस वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दिन दहाड़े हुई वारदात से शहर में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों ने प्रेम प्रसंग के चलते कुछ विवाद हुआ था, जिसमें आरोपी सुमित अग्रवाल ने तवा कॉलोनी के एक मकान पर जाकर अभिषेक गुर्जर की कनपट्टी पर फायर किया। फिलहाल पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपी सुमित अग्रवाल को हिरासत में लेकर मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा।